हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित कुमार। अगेन वेलकम टू टीवील कोचिंग। आप सभी का फिर से टीवील कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स, हमने इसके पिछले वाले वीडियो में एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन को देखा था और एवरेज के सारे टाइप को जाना था कि किस प्रकार एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन को बनाया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो एवरेज के बारे में हम लोग सभी पूर्ण रूप से जान गए थे। बट आज मैं इंडियन नेवी जो आया है SSR MR वगैरह, तो उससे रिलेटेड एक MR पद होता है NMR, तो वो जो व्यक्ति फॉर्म फिलअप किए हैं उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। यानी कि उसमें मैं MR में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं उसको मैंने सॉल्व किया है। यानी कि MR का प्रैक्टिस सेट मैंने आज लाया है। यानी कि MR में कौन कौन क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग MR का जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में चर्चा करें तो सिलेबस हमारा 50 मार्क्स का होता है एंड 50 मार्क्स में हमारा 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस ही फ्रेंड होता है। और जनरल अवेयरनेस के बाद यानी कि 25 और क्वेश्चन बचता है, तो 25 क्वेश्चन में ये मैथ होता है और जनरल साइंस होता है। और 25 मार्क्स का फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है MR को क्रैक करने के लिए, और बिना हम लोग ये जनरल अवेयरनेस पढ़े नहीं निकाल सकते। यानी कि ये जनरल अवेयरनेस का जो भी क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा टॉप होता है, बट ये मैथ और जनरल साइंस का क्वेश्चन होता है वो 10th बेस पे होता है, तो वो काफ़ी बच्चे बना लेते हैं। और जनरल अवेयरनेस में काफ़ी बच्चों का ये होता है यानी कि नहीं बन पाता है, तो इसलिए हम लोग जनरल अवेयरनेस फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। तो जनरल अवेयरनेस स्टार्ट, यानी कि जनरल अवेयरनेस का मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ और देखते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब आए यहाँ पे सामान्य ज्ञान, इसी को फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन में बोलता है, भारत में किस राज्य की कुल भूमि के 90% यानी 90% भाग में वन पाया जाता है। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में कुल भूमि का 90% भाग पे वन पाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, असम नहीं होगा, मिजोरम होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, मिजोरम हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक छोटा राज्य है, छोटा सबसे छोटा तो नहीं है बट छोटा राज्य है, और यहाँ पे 90% भाग पे ही वन पाए जाते हैं और 10% भाग पे ही व्यक्ति वगैरह रहते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होता है। यानी कि नौसेना में यानी कि नेवी में जो लेफ्टिनेंट कमांडर होता है उसके बराबर आर्मी में क्या होता है, आर्मी में कौन सा पद होता है, तो ये हमारा मेजर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, मेजर, ये हम याद रखेंगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेजर हो जाएगा, मेजर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नौसेना के बराबर आर्मी में कौन सा लेफ्टिनेंट कमांडर होता है, मेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, भारत में किसी महिला या पुरुष को खेल में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा अर्जुन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन ही एक ऐसा पुरस्कार है जिस जो अच्छा प्रदर्शन करने में यानी खेल में अच्छा प्रदर्शन करने पर अर्जुन को अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है वो हमारा प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, और राजीव गांधी उसमें भूमिका निभाने के अच्छा भूमिका निभाने के लिए दिया जाता है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अर्जुन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4, भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज व्यक्ति की अध्यक्षता में हुई, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रेड क्लिफ एक अंग्रेज व्यक्ति का नाम था जिसके ही नाम पे हमारा भारत और पाकिस्तान के जो बीच में सीमा लगा हुआ है उसका नाम रेड क्लिफ रखा गया है। यानी कि रेड क्लिफ इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने का लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र किस गवर्नर जनरल के समय आया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड बेंटिक इज द राइट आंसर। लॉर्ड बेंटिक ही अंग्रेज व्यक्ति वो ऐसा था जो लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र आया था उसके समय। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने का लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र किस गवर्नर जनरल के समय आया था, वो उस समय गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स, लॉर्ड बेंटिक हमारा गवर्नर जनरल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो ये हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा जयपुर में, दिल्ली नहीं होगा, पूना नहीं होगा, चेन्नई नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
जयपुर। देखिए फ्रेंड्स, ये सब हम लोगों को कॉमन सेंस की बात है, ये सब हमको याद, हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारा हम लोग लिख लेंगे कॉपी में एक बार, तो और इसको पॉज करके देखेंगे बार बार, दो चार बार देखेंगे इस वीडियो को, तो ये हमारा याद हो जाएगा। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है 7 नंबर, भारत के अतिरिक्त किस देश की राजधानी का नाम दिल्ली था। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया हुआ है और ये क्वेश्चन टॉप भी है और अच्छा भी है। तो यानी कि भारत के अतिरिक्त, यानी कि भारत की राजधानी फ्रेंड्स कहाँ है, दिल्ली है। तो दिल्ली है तो दिल्ली के अतिरिक्त और यानी कि और कौन ऐसा देश है जिसकी राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्वी तिमोर। फिजी नहीं होगा, मॉरिशस नहीं होगा, जावा नहीं होगा, पूर्वी तिमोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस फ्रेंड्स एक बात बता देते हैं, मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पे भोजपुरी इसका राष्ट्रीय क्या है, लैंग्वेज है। राष्ट्रीय लैंग्वेज क्या है मॉरिशस का, भोजपुरी है। तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सब चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का श्रेय फ्रेंड्स हमारा क्लाइव को दिया जाता है। क्लाइव ही एक ऐसा व्यक्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यानी कि हमारे देश में अंग्रेजी स्थापना कब हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही ना हुआ। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा वेनेजुएला देश में है। कहाँ है फ्रेंड्स, वेनेजुएला देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो ये फ्रेंड्स हमारा इसमें ऑप्शन दिया है ए नंबर 1947, 1965, 1962। तो ये तीनों नहीं होगा, 1971 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस समय फ्रेंड्स हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी के समय ही बांग्लादेश को स्वतंत्र किया गया पाकिस्तानी सेनाओं से। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1971 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है। तो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश हमारा दक्षिण अफ्रीका है फ्रेंड्स। क्या है, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है काली मिट्टी की जुताई कम करनी पड़ती है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चार गो ऑप्शन है और ऑप्शन से ही बनेगा, यह उर्वर होती है। ये तो सही है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे अच्छा कौन है वो चूज करना है। यानी कि काली मिट्टी की जुताई कम करनी पड़ती है, यानी कि काली मिट्टी को कम जोतना पड़ता है किसके कारण। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह उर्वर होती है, दूसरा है सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, तीसरा है इसका स्रोत लावा है, चौथा है इसमें लोहा तथा एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो फ्रेंड्स ये लोहा एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है तो क्या जुताई करने से ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। और सी नंबर बोल रहा है तो इसका स्रोत लावा है, तो इससे ये भी नहीं है हमारा आंसर हो जाएगा। ये नंबर बोल रहा है तो ये यह उर्वर होती है, तो यह उर्वर होती है तो हम लोग जोतने से क्या खराब हो जाएगा, नहीं जोतने से खराब हो सकता है मिट्टी, लेकिन जोतने से खराब नहीं हो सकता है। बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सूखने पर इसमें दर्रे पड़ जाती है। देखते हैं हम फ्रेंड्स, हम अपने गाँव में देख सकते हैं कि जब गाँव में काली मिट्टी है किससे रिलेटेड जहाँ जमीन होती है वहाँ पे हम लोग हल वगैरह नहीं चलाते हैं तो क्या होता है, दर्रारे उसमें पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है टिहरी बांध किस राज्य में है। तो टिहरी बांध फ्रेंड्स हमको याद रखना पड़ेगा, हम बांध से रिलेटेड कि भारत में जितने भी बांध है वो कहाँ कहाँ, कौन बांध कहाँ कहाँ है, उन सारे का वीडियो हम एक ही वीडियो में इंक्लूड करके ला दूंगा। यानी कि सारे कौन कौन से बांध किस राज्य में है उन सारे को इंक्लूड करके एक ही वीडियो में मैं लाऊंगा और वो काफ़ी जल्दी ही लाऊंगा। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, तो टिहरी बांध हमारा किस राज्य में है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में। क्या है फ्रेंड्स, उत्तराखंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो टिहरी बांध कहाँ है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पर होता है। तो ये फ्रेंड्स हम लोग क्या बोल रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है, क्षोभ मंडल। देखिए फ्रेंड्स क्षोभ मंडल यहाँ ये जो हमारे सारे ट्रोपोस्फियर है, प्रोटोस्फियर है, उसमें क्षोभ मंडल एक ऐसा ही मंडल, एक ऐसा मंडल है जिसका घनत्व काफ़ी अधिक है। क्या है फ्रेंड्स, काफ़ी अधिक है। तो
स्पीयर यानी कि इसका इंग्लिश नेम से भी हम लोग इसको ऑप्शन वाइज मार सकते हैं, ट्रोपो यानी ट्रोपो से ही अधिक, पोस्फियर यानी घनत्व, तो ये मंडल, तो ये ट्रोपोस्फियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अश्व अक्षांश कितने अक्ष भूमध्य रेखा के ओर पाई जाती है, यानी कि अश्व अक्षांश जो है कितने भूमध्य रेखा की दोनों ओर पाई जाती है, तो वो हमारा फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, तो श्रीहरिकोटा फ्रेंड्स हम लोग सभी व्यक्ति जानते हैं, यानी कि वहीं से परमाणु प्रशिक्षण यानी कि अंतरिक्ष में यान भेजे जाते हैं, यानी श्रीहरिकोटा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से अंतरिक्ष यान भी भेजे जाते हैं, तो ये हमारा तमिलनाडु क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा कॉल आ गया था इसलिए मैंने वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दिया था। तो ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है कि चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हम लोग फ्रेंड्स नाम सुने हैं, क्रिकेट में भी नाम सुने हैं, यानी कि एशियन गेम में होता है चैंपियंस ट्रॉफी, तो इसको हम लोग सुना है, बट इसमें क्रिकेट ऑप्शन में नहीं दिया है, तो क्रिकेट के अलावा भी हमारा क्या होता है फ्रेंड्स हॉकी में चैंपियंस ट्रॉफी होता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हॉकी, तो हॉकी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, यानी कि हॉकी और क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी नामक नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर हमारा है रॉबर्ट मुगाबे किस देश से संबंध रखते हैं, तो रॉबर्ट मुगाबे जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, वो किस देश से संबंध रखते हैं, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे इज द राइट आंसर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, तो 19 नंबर है भारत में बनाई गई पहली चलचित्र यानी चलचित्र फिल्म कौन सी थी, फिल्म यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं दिया है, चलचित्र सिर्फ दिया है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राजा हरिचंद, न कि हमारा आलमारा फ्रेंड्स न चलने वाली, इसमें आवाज़ वगैरह नहीं था, इसमें सिर्फ फोटो वगैरह था, तो ये आलमारा हमारा आंसर नहीं होगा, राजा हरिचंद हमारा आंसर हो जाएगा, इन दोनों में ही हम लोग को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमारा राजा हरिचंद क्या होता है चलचित्र नामक फिल्म थी, यानी इसमें बातें भी वगैरह वॉइस वगैरह सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े थे, यानी कि धनराज एक व्यक्ति का नाम था, वो किस खेल से जुड़े थे, तो वो हॉकी से जुड़े थे, तो कौन से खेल से जुड़े थे फ्रेंड्स हॉकी से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा जेम्स चैडविक, यानी कि फ्रेंड्स न्यूट्रॉन की खोज जो किया था वो जेम्स चैडविक ने किया था। इसको याद रखने का एक और ट्रिक है फ्रेंड्स, यानी कि ईट पग नच, यानी कि ईट इलेक्ट्रॉन की खोज, ई से इलेक्ट्रॉन और ट से टॉमसन, टॉमसन याद रखे और नच, तो न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, यानी कि ये भी हमारा याद हो जाएगा, आ ईट पग नच आ प ग प से प्रोटॉन आ ग से गोल्डस्टीन, तो ये हमारा तीनों जो नाभिक में हो यानी कि किसी परमाणु में स्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी कि तीनों को खोजदाता को हम लोग याद कर सकते हैं, तो ई से ईट से इलेक्ट्रॉन और टॉमसन और नच मतलब न्यूट्रॉन चैडविक आ पग मतलब प्रोटॉन गोल्डस्टीन। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस नृत्य कला से संबंध रखते हैं, यानी कि बिरजू महाराज जो थे वो किस नृत्य कला से संबंध रखते थे, तो वो कथक से रहते थे, तो ये हमारा ये फ्रेंड्स से हम लोग काफ़ी बार सुने होंगे ये कथक से ही रिलेटेड थे बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो ये हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 6 साल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनमें जो उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, बट लोकसभा में क्या होता है 5 साल का होता है, यानी कि लोकसभा में 5 साल का होता है बट राज्यसभा में कितने साल का होता है 6 साल, तो 6 साल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना कब का कार्यकाल क्या था, यानी कि भारत का पंचवर्षीय योजना जो था का कार्यकाल क्या था,
तो वो हमारा राइट आंसर सर 1974 से 1979 तक हो जाएगा, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा 25 क्वेश्चन होता है और 25 क्वेश्चन इसमें भी है, यानी कि सेट हम बारी बारी से सब सारे सेट को सॉल्व करेंगे और सारे सेट के क्वेश्चन को याद रख करेंगे कैसे कि कौन सा किस प्रकार होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील फ्रेंड्स हमारा सिंपल है उड़ीसा में स्थित है, तो ये हमारा को याद रखना है, यानी कि उड़ीसा में ही चिल्का झील उपस्थित है। तो ओके फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट को वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे, यानी कि इसके बाद मैं मैथ और जनरल साइंस दोनों को अपलोड करूंगा और वो बोर्ड के थ्रू करूंगा, क्योंकि मैथ जो है बोर्ड पे बनाना पड़ेगा, तो मैथ बोर्ड पे बनाकर मैं अपलोड करूंगा। तो ओके फ्रेंड्स यदि हमारे ये चैनल वीडियो वगैरह अच्छा लगा होगा तो कृपया इस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हमारे अधिक से अधिक लोग यानी कि फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को चैनल को देख सके और जान सके और MR का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सके। तो ओके फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो फ्रेंड्स बाय बाय।